Sir, every fluctuation. समझ में नहीं आ रहा है. What does the graph say? Stocks are going up. What stocks are going down? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. Today 26 June 2019 Wednesday सुबह के 8:11 हो रहे हैं. कल हमने देखा निफ्टी ने फिर से 50 EMA जो कि डेली चार्ट में बना हुआ है उसका सपोर्ट टेस्ट करके फिर से एक बार बाउंस बैक मूव दिखा रहा है. लेकिन क्या ये अपसाइड मूव में कन्वर्ट होगा? अपसाइड मूव में कन्वर्ट होने के लिए इसे क्या लेवल को पार करना होगा ये देखते हैं. आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू कर दें. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 25 जून 2019 आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है. ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड का ये जो कैंडलस्टिक का डेटा है हमें कल का ये ओपन हाई लो और क्लोज वैल्यू प्रेजेंट कर रहा है 10 मिनट के हिसाब से. तो कल का हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,730 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,657. ये कैसे आइडेंटिफाई किया था ये अगर देखना है तो कल का हमारा वीडियो आप रिफर कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो ऊपर आए बटन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा. तो निफ्टी जैसे ही कल ओपन हुआ तो यहाँ पर ये नीचे की तरफ मूव हुआ टूवर्ड साउथ की तरफ और हमारा ये जो ब्रेकडाउन लेवल था इसको इसने रिस्पेक्ट किया, पेनेट्रेट हुआ, इसके नीचे ये सस्टेन नहीं हो पाया और इसका एग्जैक्ट इसने सपोर्ट टेस्ट करके ये बाउंस बैक दिखाया. यहाँ पर डेली चार्ट में 50 ईएमए में एग्जैक्ट इसी लेवल के पास आ रहा था 11,650 के पास. तो इसको ये टेस्ट करके बाउंस बैक मूव इसने दिखाया और जैसे ही इस मूविंग एवरेजेस को भी इसने ब्रेक कर दिया, इन हर्डल्स को पार कर लिया, तो हमारा ब्रेकआउट लेवल के पास इसने कुछ समय यहाँ पर ये पेनेट्रेट हुआ, रिस्पेक्ट दिखाया ब्रेकआउट लेवल को और जैसे ही ब्रेक हुआ हमारा फर्स्ट टारगेट 11,745 और सेकंड टारगेट 11,759 ये दोनों भी अचीव हुए. तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. कल अमेरिकी बाजार में प्रेशर दिखाई दिया, डाउ जोन्स नासडैक लाल निशान में बंद हुए. डाउ जोन्स करीब 179 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ. यूरोपियन बाजार देखे तो फ्रांस और जर्मन मार्केट दोनों भी लाल निशान में बंद हुए. लंदन मार्केट में भी हल्की सी बढ़त देखने को मिली और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके तो जापानीज इंडेक्स 72 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. चाइना मार्केट में भी हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है, हालांकि प्रेशर के संकेत वहां पर भी देखने को मिल रहे हैं. डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी 13 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है और एसजीएक्स निफ्टी 19 पॉइंट के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे. यह वीकली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का, यहाँ से जो बाउंस बैक दिखाया था निफ्टी इंडेक्स ने तो यहाँ पर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था. उसका 50% का ये जो लेवल आ रहा था फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल, ये ऑलमोस्ट इसने अचीव कर लिया और यहाँ से एक बाउंस बैक दिखा रहा है. लेकिन अभी भी प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ पर हायर आए हायर लो नहीं बनाए. तो अभी ऊपर जाते वक्त इसे 11,868 का ये मेन रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर. अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है और यहाँ पर हायर आए हायर लो का पैटर्न बनता है तो चांसेस होंगे कि फिर से निफ्टी एक बार टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगे. हालांकि अभी ये बजट है 5 जुलाई को, हमेशा देखा गया है कि बजट से पहले एक या दो वीक एक कंसोलिडेशन फेज रहता है, स्ट्रॉन्ग बाइंग या स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पर दिखाई नहीं देती निफ्टी इंडेक्स में. तो यहाँ पर मार्केट भी वेट कर रहा है बजट के लिए. अगर पिक्चर क्लियर हो जाएगा तो यहाँ से नेक्स्ट मूव हमें दिखाई दे सकती है. तो अभी फिलहाल एक कंसोलिडेशन फेज में है मार्केट. डेली चार्ट पर चलते हैं. डेली चार्ट में ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे लास्ट कुछ दिनों से ये इस शॉर्ट टर्म और मिड टर्म मूविंग एवरेजेस के बीच में फंसा हुआ है. तो यहाँ पर ये काफी समय बिता रहा है एक फेज के, 200 पॉइंट के फेज के अंदर ये ट्रेड हो रहा है. अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बन सकता है, बनेगा ऐसा कहा नहीं जा सकता, ये पॉसिबिलिटीज है. तो यहाँ पर जैसे कि ये डबल बॉटम फॉर्मेशन का पॉसिबिलिटीज है, अगर ये फॉर्म होता है और इसका ये जो नेक लाइन बन रहा है ये नेक लाइन इसका बन जाएगा, अगर इसको ब्रेक करता है और इसके ऊपर एक कोई डिसीजिव मूव दिखाता है, सस्टेन करता है इसके ऊपर, तो यहाँ से फिर से अपसाइड मूव
आकर हमें जो ऑल टाइम हाई बनाया है 12,103 के पास फिर से एक बार निफ्टी पहुंचता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। हालांकि अभी ये पैटर्न बना नहीं है, बन सकता है, पॉसिबिलिटीज है ऐसी। और 50 ईएमए को ये काफी रिस्पेक्ट कर रहा है, सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। यहाँ पर ये लेवल अगर ब्रेक करता है 11,605 का, अगर ब्रेक होता है टूवर्ड साउथ की तरफ अगर ये मूव करता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर चांसेस है कि ये अपसाइड मूव हमें यहाँ से दिखाए, क्योंकि ये पैटर्न ऐसा बन गया तो और भी यहाँ से अपसाइड मूव दिखाई दे सकते हैं। अगर टूवर्ड साउथ की तरफ ये मूव करता है और ये ब्रेक करता है इस लेवल को, तो ये हमें फिर से 100 EMA के पास पहुंचता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये है डेली चार्ट का सिनारियो निफ्टी इंडेक्स का। चलते 60 मिनट के चार्ट में क्विकली इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनाते हैं आज के लिए। 60 मिनट के चार्ट को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर राइजिंग बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। ये राइजिंग बॉटम यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, यानी हो सकता है यहाँ से अपसाइड मूव हमें दिखाई दे सके, लेकिन इसे ये जो नेक लाइन बन सकता है, इस अगली डबल बॉटम का नेक लाइन बनेगा यहाँ पर। तो ये जब तक ये क्रॉस नहीं करता आज के दिन, जब तक ये 11,827 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,844, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा 11,856, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो यहाँ पर मल्टीपल अभी सपोर्ट लेवल्स आ सकते हैं। 100 EMA है, 50 EMA है, बाद में 20 EMA है। इन सबको अगर ये ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। अभी फिलहाल 20 EMA अराउंड 11,738 के पास है। अगर ये इसे ब्रेक करता है, ये जो लेवल है यहाँ पर पास में गैप क्रिएट हुआ था एक, तो इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही यहाँ पर हम इंट्राडे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 11,715, ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा 11,693, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ। इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड